नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र के मदर टेरेसा नगर जोन 3 कार्यालय क्षेत्र में जल प्रदाय के दौरान टुल्लू पंप के माध्यम से पानी खींचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मौके पर 12 टुल्लू पंप को निगम ने जब्त किया है। भिलाई निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव को शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग पानी सप्लाई के दौरान मोटर टुल्लू पंप लगाकर पानी खींच ले रहे हैं, जिससे दूसरे बस्तियों में पानी की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। उसको देखते हुए आयुक्त ने सभी जोन आयुक्तों को निर्देशित किया कि रोज सुबह अपने क्षेत्रों में जाएं, जहां पर भी अवैध रूप से टुल्लू पंप लगाकर पानी खींचा जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जाए, जिससे गर्मी के दिनों में अंतिम छोर तक पानी पहुंच सके। सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए सभी जोन आयुक्त अपने अपने क्षेत्र का प्रातः भ्रमण करने पहुंच रहे हैं, ताकि जल प्रदाय के दौरान टुल्लू पंप के माध्यम से पानी खींचने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसी कड़ी में जोन क्रमांक 3 वार्ड 34 एवं 35 मिलन चौक के पास नागरिकों एवं व्यवसायियों द्वारा टुल्लू पंप लगाकर पानी खींचा जा रहा था, जिसे जब्त किया गया। कुछ लोग नगर निगम के अमले को देखकर अपने अपने पंपों को छिपाते भी नजर आए और दरवाजा बंद कर दिए। पूछने पर कहा गया, हम मोटर नहीं चलाते हैं। नहीं, आपने ठीक कहा कि नगर निगम भिलाई क्षेत्र का प्रयास है, हमारे आयुक्त महोदय का प्रयास है कि हर घर में शुद्ध पानी पेयजल पहुंचे। इसके तहत नगर निगम पूरे अपने संसाधन से प्रयास कर रहा है हर घर में पानी पहुंचाने का। आयुक्त महोदय के वो अन्य माध्यम से शिकायत मिली थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में टुल्लू पंप लगा लेते हैं अवैध रूप से और पानी को खींच देते हैं, जिसके कारण निचली बस्ती में पानी नहीं पहुँच पाता है। तो इनको तो पानी भरपूर मिल जाता है, पानी का ये दोहन करके उसका गलत उपयोग भी करते हैं। कई लोग गाड़ी धो रहे हैं, जानवर धो रहे हैं और पानी फालतू गिर रहा है। कूलर में पानी लगा देते तो अपने आप पानी गिरता, ध्यान नहीं देते क्योंकि बस पानी भर गया। अब उनके बारे में नहीं सोचते निचली बस्ती में, जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहे गर्मी के दिनों में। तो इसके ऊपर आयुक्त महोदय ने सभी आयुक्त सभी जोन कमिश्नर को निर्देशित किए हैं। हमारे सभी जोन कमिश्नर अपने फील्ड में जा रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तारतम्य में जोन कमिश्नर 3 से अमिताभ शर्मा जी अपने दल के साथ गए, मिलन चौक पे गए और वहाँ पर देखे तो बहुत सारे घरों में पानी जो है टुल्लू पंप से खींचा जा रहा था। आज 12 टुल्लू पंप जब्त किए गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जैसे निगम के अमला को देख करके बंद कर दिए, मतलब अपने घरों को बंद कर दिए टुल्लू पंप कर, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कृपया करके आप भी सहयोग करें, नगर निगम आपसे अपील करता है, आप पानी मत खींचे, पानी को बचाएं, पानी बहुमूल्य है ताकि दूसरों को पानी मिल सके। आयुक्त ने सभी नागरिकों से अपील की है कि निगम का उद्देश्य है कि हर नागरिक को शुद्ध पेयजल मिले, इसलिए सभी सहयोग करें। किसी प्रकार से टुल्लू पंप लगाकर अवैध रूप से पानी का दोहन करना कानूनन अपराध है, पकड़े जाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिजली की कटौती भी हो सकती है। याद रहे कि जब लोग शुरू में मोटर से पानी खींच लेते हैं तो पानी सप्लाई का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे आगे की बस्तियों में जल प्रवाह की गति रुक रुक कर हो जाती है। सबका साथ सबका विकास लेकर चलें और टुल्लू पंप का इस्तेमाल जल प्रदाय के दौरान ना करें। ACN न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।